आगरा जोन के कमिश्नर अनिल कुमार ने शनिवार को कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्हें सभी विभागों में लापरवाही नजर आई। अब अन्य जिलों की तुलना में मुख्यमंत्री संदर्भ, राजस्व बोर्ड संदर्भ और IGRS समेत अन्य संदर्भों के अधिक लंबित मामले होने पर नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिए कि इससे भी जल्दी निस्तारण किया जाए। उन्होंने अभिलेखागार का भी निरीक्षण किया। रिकॉर्ड रूम की फाइल पूरी नहीं होने पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार लाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कुछ फाइलें बिना कंप्लायंस के भी दाखिल दफ्तर हो जाएगी, कंप्लायंस के बाद ही दाखिल दफ्तर होना चाहिए, तो वो कहा गया है। तीसरा, जब फाइलें दाखिल दफ्तर होने के बाद वीड आउट भी होती है, तो वीड आउट का काम यहाँ पे रिकॉर्ड रूम में अभी पीछे है, उसे सुधार करने का कहा गया। संबंधित जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने कोर्ट का स्वयं डिटेल में इंस्पेक्शन कर लें, ताकि उनको भी खुद ये जानकारी हो कि कहाँ कहाँ पे वो सुधार कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो RCs जो दर्ज होती है, RCs दर्ज भी ऑनलाइन, मतलब उसका ऑनलाइन की फीडिंग होती है, और जो वसूली होती है वो भी पोर्टल पे फीड होता है। तो जो वसूली वाला पोर्शन है वो अभी पोर्टल पे ठीक से फीड नहीं हो रहा है, तो वो भी करने के लिए कहा गया है। मैंने DM साहब को जरूर सजेस्ट किया कि जो हमारा कलेक्ट्रेट है आगरा वाला, बहुत पुराना है, और इस पे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से है, अब मॉडर्न इसकी बिल्डिंग बन जाए, नई बिल्डिंग बने इसकी, तो इसके लिए एक पुनः प्रपोजल बनाने के लिए मैंने इनसे अनुरोध किया।